दोस्तों, कल हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्मूलेस किए थे दो। उसके बाद में अपन करेंगे रूल ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पहला फॉर्मूला आता है समाकलन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू समाकलन एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस माइनस समाकलन जी एक्स डॉट डी एक्स। तो आगे सेकेंड फॉर्मूला आता है इसका समाकलन के डॉट एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एफ एक्स डॉट डी एक्स। के क्या है? कांस्टेंट यानी नियतांक। नियतांक है। थर्ड नंबर फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स, यानी अवकलन करना है इसका समाकलन एफ एक्स डॉट डी एक्स का। इसका अवकलन करेंगे तो वापस एफ एक्स ही आएगा। क्यों आएगा वापस एफ एक्स? क्योंकि एक बार समाकलन से एक बार अवकलन कट हो जाता है और बाकी की वैल्यूज वापस वैसे आ जाती है। तो फंक्शन दिया हुआ तो फंक्शन की वैल्यू वापस फंक्शन ही आएगी। चौथा फॉर्मूला समाकलन एफ एक्स डॉट डी एक्स इक्वल टू जी एक्स प्लस सी। पाँचवा है समाकलन एफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डॉट डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। ये तो हो गई रूल ऑफ इंटीग्रेशन पांच है। उसके बाद में कुछ सब्सटीट्यूशन हो रहे हैं यानी प्रतिस्थापन। सम इम्पोर्टेंट सब्सटीट्यूशंस कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन हो रहे तो वो देखिए क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें क्या सब्सटीट्यूशन लगाएंगे? एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, इसमें प्रतिस्थापन लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें प्रतिस्थापन लगेगा एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। थर्ड नंबर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, प्रतिस्थापन लगेगा। फोर्थ नंबर है रूट में ए प्लस एक्स व ए माइनस एक्स अंडर द रूट। तो इसमें लगाएंगे एक्स इक्वल टू ए कोस टू थीटा, ए कोस टू थीटा। फिफ्थ नंबर आएगा रूट में एक्स माइनस ए ब्रैकेट बी माइनस एक्स ब्रैकेट बी माइनस एक्स व रूट में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी। इसमें सब्सटीट्यूशन लगेगा आपने एक्स इक्वल टू ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। सिक्स नंबर आएगा आपने रूट में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी व रूट में एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो इसमें लगेगा एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। सेवन्थ नंबर आएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स की पावर एन या क्या हो सकता है एक्स प्लस माइनस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट की पावर एन। तो इसमें क्या लगेगा? प्रतिस्थापन। तो कोष्टक के व्यंजक को इसमें क्या होगा? इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोष्टक के व्यंजक को
टी मानते हैं, यानी ये जो कोष्टक में जो पूरा लिखा हुआ है उसे टी पुट कर देंगे, इसे भी टी पुट कर देंगे पूरे को। एट्थ नंबर है समाकलन डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एम डॉट सी एक्स प्लस डी की पावर एन, जहाँ क्या होगा, जहाँ एम प्लस एन इक्वल टू टू होगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो दो आना चाहिए। के लिए ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टी रखते हैं, इस पूरे का मान क्या रखेंगे, टी रखेंगे। नाइन्थ नंबर आएगा इसमें समाकलन साइन साइन की पावर एम एक्स डॉट कोस की पावर एन एक्स डॉट डी एक्स, इसके लिए क्या होगा के लिए, इसमें तीन कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन बनेगी एम इक्वल टू, यदि एम विषम पूर्णांक हो तो कॉस एक्स इक्वल टू टी लगेगा सब्स्टिट्यूशन, और अन हो विषम पूर्णांक, यदि अन बन जाए विषम पूर्णांक तो क्या लगेगा, साइन एक्स इक्वल टू टी लगेगा सब्स्टिट्यूशन, यानी इसकी जगह हो जाएगा टी की पावर एम और इसकी जगह हो जाएगा टी की पावर एन, समझ रहे। एम प्लस एन इक्वल टू नेगेटिव यानी ऋणात्मक सम पूर्णांक हो, यानी इन दोनों को जोड़ने पर ऋणात्मक आए तो क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन लगाएंगे अपन टेन एक्स इक्वल टू टी या कोट एक्स इक्वल टू टी। तो ये तो लगा दिया अपन ने नो फॉर्मूलेस, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, कुछ अपरिमेय फलनों के लिए भी प्रतिस्थापन दिए हुए हैं, तो मैं पूरा ही करवा देता हूँ आप लोगों को। कुछ अपरिमेय फलनों के लिए प्रतिस्थापन, तो इसके लिए प्रतिस्थापन देखिए, नंबर फर्स्ट फॉर्मूला आता है इसमें समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, या आएगा आपकी रूट में एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा डॉट डी एक्स, या आएगा आपकी रूट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डॉट डी एक्स। तो इन तीनों के लिए प्रतिस्थापन क्या लगेगा, एक्स इक्वल टू अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखने पर, ठीक है, एक्स की जगह ये पुट करते हैं पूरा। सेकंड नंबर है डी एक्स अपॉन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज रूट में एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये पूरा रूट में, तो इसके लिए प्रतिस्थापन लगेगा टी इक्वल टू वन अपॉन ए एक्स प्लस बी। नंबर थर्ड आता है आपके डी एक्स अपॉन ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूट में एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, इसके लिए प्रतिस्थापन लगेगा टी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सॉरी एन प्लस एन, तो ये लगेगा इसके लिए प्रतिस्थापन। नंबर फोर्थ पे आता है समाकलन डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट में एल एक्स स्क्वायर प्लस एम, इसके लिए प्रतिस्थापन लगेगा एक्स इक्वल टू वन अपॉन टी। नंबर फिफ्थ आएगा अपने समाकलन डी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी रूट में एल एक्स प्लस एम, इसके लिए लगाएंगे टी स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, या डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट क्लोज रूट में एल एक्स प्लस एम। इन दोनों के लिए प्रतिस्थापन एक ही लगेगा। नंबर सिक्स समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स माइनस के की पावर आर स्मॉल आर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी इस प्रकार का कोई आपको समाकलन दिख जाए तो आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, यानी आर की वैल्यू दो के बराबर या दो से बड़ी होनी चाहिए, तो क्या करेंगे आर बिलोंग्स एक्स माइनस के इक्वल टू वन अपॉन टी, ये पुट कर देंगे। नंबर सेवन्थ और लास्ट है समाकलन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन डी एक्स प्लस सी ब्रैकेट रूट में एफ एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस एच अंडर द रूट, ये होगा इसका। तो इसमें क्या करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, कंपेयर करना है इस वाली इक्वेशन, अगर इस प्रकार का अपने को दिख जाए या समाकलन, तो ऐसे अपने को एक इक्वेशन उठानी है इस समाकलन में से, ऊपर वाली उठा लेनी है और उसका कंपेरिजन इससे करना है डी एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यूज रख के टू एफ एक्स प्लस जी प्लस बी वन डी एक्स प्लस सी प्लस सी वन। तो ये हो गए फॉर्मूलेज। उसके बाद में अपने फॉर्मूलेज बचते हैं खंड समाकलन के और त्रिकोणमिति के, और निश्चित समाकलन के लिए सूत्र बचते हैं, तीन प्रकार के सूत्र अपने बचते हैं, और गामा फॉर्मूलेज भी हैं वो देख लो। तो आज की वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहिए विश्वास के साथ, आपको कोर्स पूरा अवेलेबल होगा।